खून से लिखी दास्तान है, स्याही से नहीं बनेगी। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो खून ही मांगेगी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो इंट्रो सीक्वेंस है वो हमें बिल्कुल इसी लाइन की याद दिलाता है केजीएफ चैप्टर 2 से। और यहाँ पे हमें एपिसोड 2 से एक मेजर डेथ का हिंट भी देखने को मिलता है कि जो भी लोग अभी आयरन थ्रोन को हथियाने के चक्कर में या फिर विसेरियस के बाद जो अपने आप को किंग या फिर क्वीन इमेजिन करते हैं, जैसे डेमन टारगेरियन हो गया या फिर हाउस ऑफ द विलेरियन हो गया, कॉर्लिस विलेरियन, या अगर हम बात करें रेनेरिया की, तो उनमें से कोई भी जिंदा बचने नहीं वाला। अब इस कहने का मतलब क्या है तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो यहां पे हमें यह दिखता है कि रेनेरिया को एज एन एयर डिक्लेयर करने के बावजूद भी जितने भी काउंसिल से या फिर एडवाइजर मेंबर्स है वो इस बात के बिल्कुल ही खिलाफ है कि यहां पर रेनेरिया क्वीन नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल वो ये नहीं चाहते हैं। और इसी के रिगार्डिंग वो चाहते हैं कि किंग फिर से मैरी करे। लेकिन यहां पर एक मेजर चीज हमें जो पिछले एपिसोड में देखने को मिली थी, जहां पर ऑटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट टॉवर को यहां पे किंग के करीब रखने की कोशिश करते हैं ताकि किंग उनसे इन्फ्लुएंस होके एलिसेंट से ही शादी करे, जिसकी वजह से वो आयरन थ्रोन पे अपना पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे हमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्रैब फीडर्स जिन्होंने यहां पे डिफरेंट सिटीज पे अटैक करना शुरू कर दिया है। एक तरीके से पायरेट गैंग है जहां पे डिफरेंट सिटीज पे अटैक करती है, पोर्ट्स पे कब्जा कर रही है, शिप्स पे कब्जा कर रही है और खास तौर पे उन शिप्स पे कब्जा कर रही है जो कि बिलोंग करते हैं कॉर्लिस टारगेरियन को। जब भी मतलब विसीरियस के पास पहुंचता है तो वो फ्री स्टीज को या फिर जो है इन क्रैब फीडर्स को डायरेक्ट अटैक करने से पूरी तरीके से मना कर देते हैं, जिसके पीछे ऑटो हाईटावर का भी ओपिनियन होता है। लेकिन इन क्रैब फीडर्स की जो बैकिंग है ना वो फ्री स्टीज कर रही है, वो फ्री स्टीज जिनको मास्टर्स रूल करते हैं, जिनको हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 में भी देखने को मिले थे, जहां पे जिन स्टीज को यहां पे गुलामी से आजाद करती है यहां पे डेनेरियस टारगेरियन, असल में उन्हीं फ्री स्टीज से यहां पे बैकिंग मिल रही है क्रैब फीडर्स गैंग को। लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन हमें डेमन टारगेरियन से देखने को मिल सकता है, यानी कि वो उनके साथ मिलकर आयरन थ्रोन पे फिर से अपना कब्जा जमा सकते हैं। क्योंकि हमें जब देखने को मिलता है ना कि ड्रैगन स्टोन पे अपना पूरा कब्जा जमा चुके होते हैं उन 6 महीनों में डेमन, जब पूरा का पूरा टारगेरियन डायनेस्टी या फिर विसीरियस जो है बिजी होते हैं मॉर्निंग करने में अपनी वाइफ को या फिर जो उनका चाइल्ड मरा हुआ होता है, तो वहां पे वो अपने साथ जो है ड्रैगन एग भी लेके आते हैं, वो वाला ड्रैगन एग जो कि अगर यहां पे बेलन का सक्सेसफुल बर्थ होता तो उनकी क्रेडल में रखा जाता, तो वही उठा के वो ले आते हैं ड्रैगन स्टोन पे अपने पास। लेकिन यहां पे एक बड़ी गलती क्या कर देते हैं वो कि वो यहां पे प्रोवोक कर देते हैं रेनेरिया को और विसीरियस को, जो कि उनका शायद इंटेंशनली मोटिव हो सकता है कि वो उनके अगेंस्ट एक सिविल वॉर छेड़े। लेकिन यहां पे जब ये बात विसीरियस को पता चलती है तो वो अपने हैंड ऑफ द किंग को यहां पे वहां पे भेजते हैं। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जिसको यहां पे विसेरियस ने अलाउ नहीं किया होता है ड्रैगन स्टोन पे जाने के लिए, रेनेरिया वो वहां पे जाती है और अपनी डिप्लोमेसी से वो एग वो हासिल कर लेती है और डेमन को यहां से वापस हटना पड़ता है। लेकिन रेनेरिया को अप्रिसिएशन मिलने की जगह पे यहां पे एक बड़ा शॉक तब लगता है जब यहां पे एग्री करते हैं विसेरियस मैरी करने के लिए, लेकिन कॉर्लिस वेलेरियन जिनको लगता है कि वो उन्हीं की बेटी से शादी कर सकते हैं क्योंकि उनका किंगडम जो है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है या फिर उनका हाउस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और पावर प्रोवाइड कर सकता है टारगेरियन डायनास्टी को, जिसको वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं अपनी बेटी को किंग विसेरियस के सामने। लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एलिसेंट हाईटावर से मैरी करेंगे और इवेंचुअली हमें या ये मुझे ही लग रहा है या फिर जो है मुझे ऑटो हाईटावर से यहां पे फील आ रही है टाइमन लैनिस्टर की, जो कि इतना बड़ा ट्रेचरस मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है, यानी कि वो आयरन थ्रोन का कब्जा या फिर आयरन थ्रोन का कंट्रोल हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और इस चीज में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और साफ नजर आता है कि कॉर्लिस और रेनेरिया अब फुल्ली जो है विसीरियस के अगेंस्ट टर्न करने वाले हैं। लेकिन ये टर्न कैसा होगा, जैसा कि मैंने अभी क्रैब फीडर्स और डेमियन को मेंशन किया, तो लॉर्ड कॉर्लिस को इतना बड़ा शॉक लगने के बाद कि वो उनकी बेटी से यहाँ पे मैरी नहीं करने वाले किंग विसीरियस, तो वो डेमियन के पास जाते हैं जहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि अब हमें अपनी राइटफुल प्लेस लेने के लिए, जो कि हमें कभी भी नहीं मिली है, नहीं ओल्ड वेलेरिया में मुझे मिली थी और ना ही तुम्हारे ब्रदर के रेन में तुम्हें एज एन ऑनरेबल एयर तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो हम रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द हाउस ऑफ टारगेरियन, मिलकर मेरी पावर की मदद से, मेरे शिप्स और मेरे पोर्ट्स की मदद से हम फुल्ली जो है डिथ्रोन करेंगे। लेकिन यहां पे वो हमें रेफरेंस देते हुए दिखाई देते हैं सेकंड सन्स का, जहां पे वो डेमन से कहते हैं कि हम दोनों सेकंड सन्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और सेकंड सन्स वही है गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 में जो हमें देखने को मिले थे, जहां पे डेनेरियस टारगेरियन पे वो अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन यहां पे उन दोनों सन्स का, सेकंड सन्स का सर धड़ से अलग करके दारियो नहारिस जो है वो यहां पे डेनेरियस के कदमों में लाकर वो रख देते हैं, जिससे हमें ये रेफरेंस देखने को मिल सकता है कि हो सकता है यहां पे डेमन जो है अल्टीमेटली
कॉर्लिस को सबसे बड़ा धोखा दे और क्रैब ब्रीडर्स का यूज करके वो उन्हें और उनकी फैमिली को मरवा दे। यानी कि यहाँ पे डेमन का कनेक्शन शुरुआत से जो हमें क्रैब फीडर्स गैंग देखने को या फिर पैरेट्स देखने को मिले हैं ना, उनके पीछे जो सबसे बड़ी बैकिंग हो सकती है वो यहाँ पे टारगेरियन की ही हो सकती है। और हो सकता है कि यहाँ पे हमें सेकंड सन्स का रेफरेंस इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों ही अल्टीमेट पावर पाने की लालच में कहीं ना कहीं इनका सर जो है धड़ से अलग हो जाए या फिर ड्रैगन्स इनको जला के राख कर दे। इनके रेनीरिया भी इस सब में हमें इन्वॉल्व होती नजर आएंगी, क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पे ड्रैगन स्टोन पे इन दोनों का डेमियन और रेनीरिया का फेस ऑफ होता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से वो डेमन पे अटैक करने के मूड में है और उन्होंने अपने एंगर को होल्ड बैक ऑफ करके रखा है। सिर्फ वो इस चीज से नाराज है, एक तो उन्होंने उनके भाई का एग चुराया जो कि मर चुका है, और दूसरा क्योंकि वो एक लौती वारिस है और ड्रैगन स्टोन पे उनका लीगल हक है, उसको इल्लीगल तरीके से यहाँ पे डेमन ने हथिया है। लेकिन क्योंकि अब उनके फादर ने यहाँ पे विसेरियस ने उनको धोखा दे दिया है, तो हो सकता है कि डिप्लोमेसी के तौर पर यहाँ पर वो अपने फादर का साथ दे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो डेमियन के लिए भी प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रही हो अपने फादर के अगेंस्ट और अपने लॉन्ग ओल्ड फ्रेंड यानी कि यहाँ पे एलिसेंट के अगेंस्ट वो सबसे बड़ी यहाँ पे साजिश करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अल्टीमेट बिट्रेयल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा डेमियन की तरफ से। नेरिया को तक शायद वो जो है आयरन थ्रोन के लिए वो बिट्रे कर सकते हैं यानी कि मार सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस सब चीज़ों में एक लीगल एयर को अगर जन्म देती है एलिसेंट या फिर अगर रेनेरिया को बचाने की बात आती है ना, तो हमें वेगार का जिक्र देखने को मिलता है इस एपिसोड में, जो कि करती है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्लिस की डॉटर जब वो यहाँ पे बात कर रही होती है विसेरियस से, जब उनकी शादी का प्रपोजल जो है वो प्रपोज किया जाता है, तब वो उनसे कहती है कि वेगार किधर है, जो कि एक फीमेल ड्रैगन होती है जो कि फार ऑफ या फिर भाग चुकी होती है यहाँ पे ड्रैगन स्टोन से या फिर किंग्स लैंडिंग से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी ड्रैगन होती है और वो शायद जो है अलोन फील कर रही होती है, ऐसा बताते हुए विसेरियस नजर आते हैं। लेकिन हो सकता है कि लीगल एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो डेंजर में हो या फिर रेनेरियो को प्रोटेक्ट करने के लिए जब यहाँ पे एक ऐसे स्पाइडी सेंस जैसा पैदा होगा वेगार में, और वो शायद जो है एपिसोड के फाइनल एपिसोड्स में हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में बचाते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पे किंग विसेरियस के लीगल एयर को या फिर रेनेरिया को या फिर एलिसेंट के उस बच्चे को जो शायद जो है जन्म लेने वाला है इस सीजन में। जब क्रैब फीडर्स का हमें जो कि पायरेट्स होते हैं उनका फेस रिवील होता हुआ दिखाई देता है, तो उनके फेस पे वही गोल्डन पार्शियल मास्क होता है जो कि उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है, जो लोग मास्क मैन बन के यहाँ पे किल कर रहे होते हैं अनसलिड की आर्मी मेंबर्स को यानी कि डिनेरियस की आर्मी को, और पॉसिबली वो मास्टर्स के ही वो बंदे होते हैं जो कि यहाँ पे वापस से वो ओल्ड रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिस चीज़ को यहाँ पे डिनेरियस ने एक्वायर किया होता है। तो हो सकता है कि उन सारे लोगों का ओरिजिन जो है शायद से हमें डेमियन की ही तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक उनको एक ओरिजिनल एयर कभी नहीं माना विसेरियस ने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी इलीगल आर्मी पायरेट्स के रूप में या फिर जो है गोल्ड क्लोक के रूप में जो है फॉर्म की है। सो गाइज, आपको क्या लगा इस एपिसोड 2 के बारे में, कैसा आपको इसका इंट्रो सीक्वेंस, कैसी आपको इसकी स्टोरी लगी? आगे जाके हमें बहुत सारे पॉलिटिकल थ्रिलर्स, इमोशनल थ्रिलर्स और फैमिली थ्रिलर्स, सिविल वॉर हमें ऑल इन ऑल देखने को मिलेगी टारगेरियन डायनास्टी में। मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।